दुर्ग में जन्माष्टमी उत्सव पर श्री राधा कृष्ण मंदिर में नवधा परायण रामायण पाठ एवं भव्य जन्माष्टमी उत्सव मनाए जाने को लेकर हुई पत्रकार वार्ता, जिसमें वृंदावन के सुप्रसिद्ध भजन गायक की प्रस्तुति होगी। दुर्ग के महेश नगर स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में भव्य जन्माष्टमी उत्सव मनाए जाने को लेकर मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा पत्रकार वार्ता में आयोजन के संबंध में अपनी जानकारी देते हुए बताया कि दुर्ग में जन्माष्टमी उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। श्री राधा कृष्ण मंदिर महेश नगर दुर्ग में जन्माष्टमी उत्सव जो कि 1 से 9 सितम्बर तक मनाया जाएगा, जिसमें बड़ी विशेषता यह है कि मंदिर प्रांगण के आध्यात्मिक स्थल पर पक्के शेड का निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि प्राकृतिक व्यवधानों से बचा जा सके। साथ ही इस वर्ष में भी श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन आचार्य पवन द्विवेदी द्वारा किया जाएगा। साथ ही श्री रामचरितमानस के नवधा परायण के पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 से 2500 लोग एक साथ रामायण का पाठ करेंगे। इसके साथ ही प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर्व पर विविध आयोजन भी रखा गया है, जिसमें प्रभात फेरी, मंगल आरती, महाभिषेक, ध्वजारोहण के साथ ही सुबह 56 भोग, साथ ही शाम को रास गरबे का आयोजन कर 12 बजे मध्य रात्रि को प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम समिति के चतुर्भुज राठी ने बताया कि 7 सितंबर की रात वृंदावन के सुप्रसिद्ध भजन गायक जतिन अग्रवाल एवं धीरज बावरा के भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। जन्माष्टमी उत्सव के अंतिम दिन मंदिर में सुंदरकांड एवं सौमाली का आयोजन भी किया जा रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी है और 31 तारीख से ये कार्यक्रम चालू होगा। 31 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी, चंडी मंदिर से लेकर के राम मंदिर होते हुए गंजपारा जाएगी और 31 तारीख के बाद फिर 1 तारीख से रामायण प्रारंभ होगी। इस बार हमें लगता है कि 2500 लोग रामायण का पाठ करने वाले लोग रहेंगे मिनिमम, और पूरे शहर से लोग आते हैं और आसपास के गांवों से भी और शहरों से भी लोग आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग इसका लाभ लेते हैं वो लोग अपना इसकी चर्चा करते हैं, और जैसे जैसे चर्चा का विस्तार होता है वैसे वैसे लोग उस रुचि के हिसाब से लोग आना बढ़ते जाते हैं हर साल। राजनीतिक कोई मदद लेने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रशासन का तो सहयोग रहता है कि भाई ट्रैफिक की व्यवस्था देखना है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की व्यवस्था देखना है, बाकी सब हम लोग खुद करें। इस बार बाबरा जी और जतिन जी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मतलब भजन करने वाले लोग हैं और जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा भजन होगा, और उससे पहले ये पूरे 9 दिन तक के जो रामायण है ये अपने आप में ये बहुत बड़ा काम है। 9 दिन लगातार रामायण का चलना और 5 घंटे 4.5 घंटे लोगों का बैठना और 2000 लोगों का एक साथ बैठना, ये अपने आप में अद्भुत कार्य है। तो हम लोग सब मिलजुल करके करते हैं। हमारे यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में सभी वर्ग, सभी समाज से सभी सनातनी लोग हैं, और जो लोग भी सनातन पे विश्वास रखने वाले, आस्था रखने वाले, हम पूरे के पूरे लोगों को समाहित करके इस कार्यक्रम को करते हैं, और इस कार्यक्रम का सिर्फ एक धार्मिक उद्देश्य है और लोगों के आत्मकल्याण के लिए, शहर के आत्मकल्याण के लिए ये कार्यक्रम की रचना की जाती है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।